अगर अदब नहीं करना तो उसना फिर क्या कोई में सिंपल मिसाल थी देती है लेकिन अदब एहतराम जरूरी है। सोने दया जिकरा बिस्मिल्ला मेरे नबी दया जिकरा बिस्मिल्ला मौजूद हाँ माशाल्लाह एक चीज तकी मेरी बहुत बड़ी खुशी हुई है जितनी तारीफ करा मैं भाई साहब नाली तुसें मुलाकात करासा ते खुशी केड़ी चीज़ नहीं हुई है तुसें मशीन दसनी उसी ठीक है वो लगी है ये बड़े तुसें अगर हो सकता कैमरा मान तुसें दस ये सब क्या वै रद्दी कागज नहीं मैं रद्दी है ना ना टुकड़े जे कुरान पाक या अखबार ने जे टुकड़े होने जिन्हों पर सूरत वगैरह लिखी होनी ना लिखे होने सोने इन्हें मुस्तफा ने और अल्लाह ने जात ने जे नाम होने कुरान पाक इन्ना एक तकी कि कितने ज्यादा त्रोड़े पड़े हैं तो मैं बड़ी खुशी हुई है कि छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे जितने वो शहीद हुए होने उन्हें जमा करने रहे उन्हें जमा करने तो बाद इन्हें त्रोड़े पैक किया तो बाद ये जगह उन्होंने खुद जाती है इन्हें सोचा कि कुछ ने जगह पर दफन करना नहीं बेहतर कि बेहतर है कि अपनी जी जगह वै उसी दफन करा क्या कहने भाई जाने ठीक है इस तू अल्लाह की जात ही इन्हें चीज़ा ने अज देनी है तो मैं सलाम पेश करना भाई ने कि जिन्हें सोच इतनी अच्छी सोच है कि इतना ज्यादा उन्हें कागज टुकड़े जमा करी दे इतना अपनी जगह उन साइड पर उसे टोवा मारे जैसे ताकि मिली सी बेअदबी ना आवे तो बाकी टाइम जाया कितने बगैर तुसें एक चीज़ चंगी लगती मी तो बहुत ज्यादा चंगी लगी है मैं भाई ने जितनी तारीफ करा भाई ने मैं लाजमी तुम्हें मुलाकात करासा और उन्होंने को मैं पूछा कि तुम्हारे जहन में एक किस तरह सोच आई है कि असा ही मुसलमान हाँ असा ही तकने असा जो कोई अखबार या कोई बुक जो सी बूत बूत सिरे पुचे जा उधर या किनारा करी जो सा सारे जहन नहीं बनना कि असा इसी संभालना या ये बेदबी है ठीक है क्योंकि एक तो मैं रिक्वेस्ट करता जितने अखबारा ने या होर इस्लामिक किताबा ने कोशिश करया करो खास कर अखबारा के अखबारा बाद चुगा होनी है कि हमेशा वह समोसे या रोटी पैक करने ने कम मछलियाँ कोशिश करया करो कि जे अल्लाह ने ना होने प्यारे वो घट लिखा करो कि कोशिश करया करो ना ही लिखना होने तो बेहतर है क्योंकि उन्होंने जी बाद च हालत है और सारे लोग खुद तकने हो तो बिल्कुल टाइम से थोड़ा कि सारा मूड में भाई मुलाकात करा सा बाकी तुम्हें दसने जो ये रद्दी दफन हो सी उसे तुम्हें दसा बाकी भाई ने तुम्हें मुलाकात करा सा अच्छा बिस्मिल्लाह सर बिस्मिल्लाह रहमान जी पहला अपना सोना नाम असलम खान मेरा नाम है ता इधर कम करना खान जी मेरे कम करना मशीन स्वेटर रखी है तो सर जी एक आदमी ने गठा किया अखबार के इस पे नाम है अल्लाह के नाम है जो भी कोई चीज़ इस पे लिखा हुआ है अल्लाह के नाम के कलाम के जरिए उसका दिल में ईमान है मुसलमान आदमी है जहर है उसका दिल में आया लेकिन देखो ना पूरी ट्राली भरी हुई है तो इसमें जो है ना कि अगर हम सब लोग ऐसा इसको गठा करें तो एक काफ़ी तादाद में हो जाता है माल तो देखो ना हम लोग सब लोग एक काम नहीं करता है ये जो है ना अपना इसके अंदर बस से जुनून नेकी का आया तो इसने ये किया अच्छी बात है हम इस पर बहुत खुश है तो अब इसने एक साल हो गया मुझे कहते हैं कि इसको जगह नहीं सी मिल रही भाई किधर खूह में डालें और क्या करें इसका क्या हाल करें तो फिर मैंने बताया कि यार ये साहब किसी खतीब से पूछे कि इसको जो है ना कोई अच्छी जगह या तरतीब आपको बताएगा
तो फिर इन्होंने उससे पूछा है कि इन्होंने फिर बोला कि अपनी जमीन में चलो करना है इसको, जैसे खड़ा खनोत रहेगा, तो अभी खड़ा खनोत रहा है लेकिन फिर भी वो पसंद नहीं आया, तो अभी सेट पर उसको खड़ा दूसरा निकाल रहे हैं। तो इसलिए कि आप ख्याल रखें, आप ऐसे चीज़ें मत फेंकें जिसपे आदमी का, मुसलमान का दिल आजारी हो, क्योंकि हर आदमी जब देखता है तो फिर ये अच्छी बात नहीं है। तो मेहरबानी करके आप जो अल्लाह का नाम है, जो भी जिधर से अखबार पे, जिस कागज़ पे, जिस इश्तहार पे, ये आप वैसे ना फेंकें, इसका कदर इहतराम करें, अपने घर में रखें, आप बोरे में डालें, तो ऐसे आप इसको ऐसे ना फेंकें, इसका कदर करें। हम मुसलमान हैं तो इस पर हमारा ईमान है, तो ऐसा ना करें, ये आपकी मेहरबानी होगी। बिल्कुल मिकी तक चीज़ खुशी हुई है। मेरे ख्याल च फायर तो खैर मेरे इलाके ने ढांगड़ी ने जिते जिया मैं भाई जाना, तो बाद समझदारी के सलाम पेश करना, तो मेहरबानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान हैं और हमारी दीनी और शरी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, और उन जिम्मेदारियों में एक जिम्मेदारी ये भी है कि हमारे जो मुकद्दसात हैं उनका मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ करें, और उन मुकद्दसात में जो आम चीज़ है वो है कुरान पाक की आयात और हदीस पाक, अल्लाह ताला के अस्माए गिरामी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अस्माए गिरामी, या कोई भी मुकद्दस तहरीर हो, ताकि आम जो हरूफ हैं उनका भी अदब हमारे ऊपर लाजिम है, इसलिए इसका तहफ़्फ़ुज़ एक मुसलमान हमेशा करता रहे और करना चाहिए। हमारे मोहतरम भाई इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ जो है एक पूरा ज़खीरा जमा किया, और खालिसतन अल्लाह की रजा के लिए कि जहाँ से उन्हें कोई मुकद्दस वर्क मिला, जहाँ से कोई आयत, कोई हदीस का टुकड़ा मिला, इन्होंने जमा किया ताकि इसकी बेअदबी ना हो, और उसको आज जो है ना इसकी तदफीन का ये एहतमाम कर रहे हैं। उलमा ने इसको मुस्तहसन करार दिया है और इसका हुक्म दिया है कि जब भी कोई मुकद्दस चीज़ हो उसे हर जगह फेंका ना जाए, बल्कि उसे दफन कर दिया जाए जहाँ उसके अदब का ख्याल रखा जाए। तो इस चीज़ का हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, हम अपने घरों में भी इसका एहतमाम करें कि कोई भी मुकद्दस तहरीर जो है उसकी बेअदबी ना हो, दुकानों पर, बाज़ारों में और दीगर जो हमारे यहाँ रोज़मर्रा लिखी हुई चीज़ें आती हैं उनका ख्याल रखना जो है वो ज़रूरी होता है। बाद चीज़ें जो है वो मुख्तलिफ नामों से आती हैं, अल्लाह ताला के नामों में से होता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम होते हैं, सहाबे किराम अहले बैत, दीगर मुकद्दस नाम है, तो हर एक की जो है ना वो तज़ीम जो है वो ज़रूरी है, और इसको हमें अपने यहाँ बाकायदा तौर पर हर मुसलमान को मामूल बनाना चाहिए। ये हमारी आखिरत की निजात का जो है वो बहुत बड़ा ज़खीरा है। हज़रत बिशर हाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में कि आपने बिस्मिल्लाह शरीफ का एक टुकड़ा जो है वो ज़मीन से उठाया था, और उसके बदले में अल्लाह ताला ने आपको ये इनाम अता फरमाया कि मकाम वलायत से सरफराज की, अल्लाह ताला इनकी इस काबश को कबूल फरमाए और आम मुसलमानों को भी इस पर तवज्जो देने की जो है वो तौफीक अता फरमाए। वो मा तौफीक। बिल्कुल तक ना सब पोस्टर मिलाज शरीफ ने पोस्टर लाया थी कि मुड़ी के इन्ना कमालिया नहीं अपना पोस्टर के तको कि आज पोस्टर कुत्ता खजल होने लग गया कि क्यों कि इसी की तुसा सेफ क्यों ना करने मेन होगा उधर आना है कौन सब नहीं इस की उधर अल्लाह ताला पीर साहब जड़े ही आ नहीं ना कि बिल्कुल जी मेंबर तकने तो नाशान लिखे हैं मिलाद में और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा हर चीज़ लिखी हुई है कि उसने बावजूद असा पोस्टर लाने असा अपनी मशहूरी बनाने लेकिन असा आखिर इन्हें भी गोली करने के रोडों पर से अज तुसा इन्हें संभाले होना तुसा नहीं जाना तो कोई के राम से क्यों के जख की कला करता हूं लेकिन मैं बता नहीं सकती ठीक है बॉडी
مولانا محمد وبار وسلم ربنا تقبل منا انكم سميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم لو لا لمن ينيك مقصد لي انا يوم يلا كلا من ذاك اللي سيتقبل منا سيدنا دهنا من ذكر ذاك الله يا سهل فسهل يا اليك الرسول صلى الله تعالى على محمد وعلى اله خطيب ديكو اذن دينا مين هو ابو نقوم كل ده महारे साहब बचपन तू शौक रहा बचपन तो एक दफा में अगर किसी के मुकदस हिफाजत साहब को जिन्हें कानवे बात हुई उसको पहले आना पड़ते पंद्रह सोलह साल उम्र से उन्हें दसिया बड़े खुश होकर उन्होंने फरमाया कि अलिफ बेग जितने लिखी है वो चीज़ लिखाओ उसके बाद मैं फिर पिछा मुड़ के नहीं तकिया इन शाह चाहे जब तक जिंदगी है चाह सन इन शाह ऐसी ऐसी जगह को चाहें तो उसमें सोच ही नहीं सकते तो बाकी जो चीज़ भी है उसने सामने तको कितने मुकदस चीज़ा ने बेअबी इन्होंने किसा सूरत बर्दाश्त नहीं किसा सूरत असं और चीज़ा ने पैसे जाने और नुकता चीनिया करने लेकिन मैं ये तो बहुत बड़ी बेअदबी है जिन्हें गडर चू नालियों चू में चाहे क्लिप इंशाल्लाह पेशों को तक तो खुद भी आराम ले एक सवाल है जवाब दे कई दफा होना जिस गल की है गटर नालिया कुछ ये नहीं आया पागल है कोई बेशुमार पाने जेडे नाल साथी साथी सन आने असा ना तुहाडे नाल टुरने तुसीं क्या करना मैं ठीक अच्छा नहीं मरदा लेकिन मैं ना इस चीज़ का मैं मूवी मेकर हूँ कि पता अक्सर दुल्हा बनाने बेशुमार बिल दुल्हा बनाने वो आर होने आर भी अखबारों प्लेट है बोल यकीन करो मैं फिल्म छोड़ी अखबार कट्ठिया करना सन नीचे पैरों चाहिए फिर मैं वो आर आलिया को गया उन्होंने भी अपील की खुदाने वास्ते हाथी पेपर पांच सत्त रुपये लगना उसने पैक फिर कुछ किता कुछ आ गया नहीं वर्क कट्ठा किया जिस पोस्टर है मिलाद ने उस पर चलो मिलाद ने पोस्टर से असं बनवाने होंगी असं बड़ी ख्वाहिश होनी है माड़ा ही फोटो होवे कदम कदम तुसना ही फोटो होवे मैं फिर असं चंकी करानी है इश्तहार असं चंगा बनवाना है पोस्टर असं चंगे बनवाने जन्नत दा टिकट लब्भी गया बाद ही तक आ गया मकसद ही है कि सुनना ये तौबा करनी चाहिए है बहुत जुर्म है जी ये महफिल कराओ कुर्बान जाओ महफिल करानी चाहिए है लेकिन महफिलों तो बाद इस पीर ना अदब जरूरी है उधर महफिल होनी है उधर जिन्होंने महफिल कराने उन्होंने ना प्यारा चेचा उस महफिल का क्या फायदा नहीं दसो कोई फायदा है कोई बस ये चीज़ा जरूरी मुड़ी असा नाल अपर लिखाने असलात असलाम के असान पाक नहीं आता लिखासा ठीक है जो अपर होवे उपर सी वो अच्छा मकसद ये नहीं कि बाद जैसी भाई साहब माड़ा ये भी है कि इतना तको ऐसी ऐसी जगह मसल थले गडर ना पानी जी अपर इश्तहार सलामी लगे मैं क्या दसा कि उसे असा आपू खलना अगर मुनासिब ना तो वह मेरा ना उतर मैं जरूरी होता हाँ ਜਿੰਨਾ ਵਾਸਤਾ ਪੂਰੀ ਕੈਨਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਗੱਡਰੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਈ ਇਹ
ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸਹੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਣੇ ਉਸ ਤੱਕਣੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸੀ ਇਹ ਹੈ ਹੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਉਸੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈ ਜ਼ੂ ਨੇ ਇਸ਼ਕੀ ਪਾਗਲ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਆਖਰਤ ਵਾਸਤਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤਾ ਕਰਨਾ ਦੁਨੀਆ ਵਾਸਤਾ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕਰਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝੀ ਕਿ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਵਾਸਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰੱਬ ਕੀ ਰਾਜ਼ੀ ਗੱਲ ਹੋਏ ਰੱਬ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ ਰਾਜ਼ੀ ਤੇ ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਠੀਕ ਹੈ मौलवी हजरात सारे ठीक हो जाए रोल अदा करना चाहिए ठीक है उन्हें सब तो पहला रोल अदा करना जिन्हें पोस्टर के बनवाने ठीक है वो है मौलवी हजरात की अपना फोटो लवाई उड़न ठीक है जे इंतजामिया उसका फोटो खाली लवाई उड़न अगर कुरान पाक ने सूरत लिखना या ये चीज़ें जदी दौर इश्तहार बनवाने मैं जरूर दी कौन जरूर दी कौन है जितने ज्यादा इश्तहार बनवाने मारे नजर वो महफल कामयाब ही कौन होने बंदे चंद ही होने अजकल नेट ने मीडिया ने दौड़ है ठीक है तुसें हर चीज़ नैट पर लगती है ठीक है उस तो बाद इश्तहार लाने वास्ते तुम बड़ी सोहनी जगह लाने हो ठीक है उस तो बाद तुम्हें यह नहीं पता कई मैं खुद महफलें तक हाले महफल नहीं खत्म हुई उसे इश्तहार चला महफल के दौरान नीचे हुए तो महफल बिल्कुल अल्लाह जात तुसें इन चीज़ा अज्जे दिया कोई पैगाम देना चो लास्ट बस ही आना कि अल्लाह ने ना तो अल्लाह ने प्यारे दीन ना इस मोबाइल देन तू हर चीज है तू अगे इन्होंने लाजमी हिफाजत करो महफल कराओ हर जगह जाओ असा कोई बंदा नहीं रोकना लेकिन इस चीज़ ना पहले अदब एहतराम है तो बाकी बात यही हाफिज कुरान है तो अगर वो अदब नहीं करना तो उसने फिर क्या कोई मैं सिंपल मिसाल थी दीती है तो लेकिन अदब एहतराम जरूरी है जो अदब एहतराम नहीं तो कुछ भी जो मैं हूँ महफल करा तो बाद अल्लाह ने ना अल्लाह ने प्यारे जीव ने ना जमीन पर रोने हो तो मारे नाजिक मारी जा गुस्सा कोई नहीं जैसे हजूर ना इतना इश्क है लेकिन मैं ना ये मुकदस ना लाजमी उन्होंने हफाजत जानो महफल जरूर कराओ लेकिन महफल तो बाद जितने इश्तहार लाओ उसकी उतारी के आराम ला अगर तुम तको पांच छः छः साल पुरानी महफलों ने इश्तहार लगे मैं अपना हुई गया कई बंदे दुनिया पर भी ले गए इश्तहार लग जाए बेदबी हुई बस उस बाद अगर असा बख्शे हो सब से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जेडे साढ़े वास्ते रोए साढ़े वास्ते दुआ मांगी जिन्हें हर चीज की है तो जो उन्होंने ना ना इस तरह तो फिर बहुत मुश्किल है पहलियाँ उमतास ने उन्हें शक्ल पटनी जानी अगर पहलियाँ उमतास ने उन्हें गुनाह लिखा जाने से ठीक है चेहरे पर लेकिन ऐसा ही सब की लपा हजूर ने उन्हें अगर दुनिया पर कोई सलाम दुनिया पर और आखिरत भी आखिरत पर जन्नत जासी तो दुनिया में निज़ाम चलना रेशी लेकिन एक चीज़ जरूरी है अदब एहतराम हर चीज़ है तकिया बहुत बेअदबी होनी है खास कर साढ़े इस चकसवारी अगे पीछे बहुत ज्यादा है ना दे रहा इसमें जरूर रोकथाम होनी चाहिए बिल्कुल जो काम फटीक उन्होंने दुनिया पर यह जरूर पाना चाहिए है कि मैं अगर अर्ज की है कि अगर तुम कोठी है 2 करोड़ नहीं उस कोठी भी तुम इनाब सपारे चाहिए बाहर बिन्ने च रखी ओड़ो तो उस कोठी ने पैसा उतना तुम कोई जगह कौन कुछ मामूली की जगह बनाई तो उतना एक चीज़ा बनाओ कल इन शाप जिस जनाब नहीं रह गया उतना मैं इसी दसिया हमारे को शापर भरे आ कि सब सपारे पे उन्हें हैरान उस बंदे को जिस रखा उसने तो ले जा कितना तू घरों चाहिए इस बारे तू रखी हुई थोड़े घर जगह कौन एक चीज़ तकनी है मैं इतनी इतना महंगी कोठियाँ बनाने उस कोठी भी चलता चलता ने नबी ने ना रखने वास्ते उसने जगह कौन बच्चे पढ़ी गए सन कताबा फौरन इन्हें कुदै ध्यान रखी कुदै सकता यह चीज़ है दुनिया रोटा पर अगर चेक कताबा रोटियाँ बड़ी मेहरबानी तुसनी अल्लाह जात इन चीज़ों लेकिन मैं फिर नाम पेश करना नहीं बहुत कि इतना ज्यादा वर्क है एक तो साल बारिश आपसी रोने
ਟਾਈਮ ਨਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਇਕੱਠਾ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਫਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੰਨੇ ਕਰਦੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਡੈਮ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨਾ ਵਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਦੋ ਵਜੇ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਬਾਹਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪੈਰਾਂ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਂ ਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਪਾਏ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਜ ਨੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਕਿਆ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਲੇਕਿਨ ਚਲੋ ਮੈਂ ਸ਼ਾਨ ਹੈ ਕਿ ਦੂਏ ਕੇ ਅਸਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕਿਆ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਆਪਣੇ ਆਮ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਠੀਕ ਹੋਵੋ ਆਪਣੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਉਹਨੇ ਗੱਲੇ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਅਤੇ ਦੂਏ ਜੇ ਇੰਨਾ ਪਾਏ ਨਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਇਤਨਾ ਚੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ।